वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास टेंथ साइंस का सॉल्वड मॉडल पेपर, जो एक्चुअली सॉल्व किया है जाहिद सर ने, जो टीचर है गवर्नमेंट हाई स्कूल चरात में। तो एक ना तो मैं जानता हूँ ये जगह कहाँ है, ये कौन सा स्कूल है, ना ही मैं इन टीचर को जानता हूँ, बट मैं हाईली थैंकफुल हूँ उनका। इस वीडियो का फुल क्रेडिट उन्हें जाता है। ये सॉल्वड मॉडल पेपर मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिला और मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये आप तक पहुँचाऊँ, तो लेकिन क्रेडिट उन्हें ही ज़्यादा है जिस टीचर ने ये सॉल्व किया है, मिस्टर जाहिद सर, तो उनको मैं थैंक यू कहता हूँ। लेकिन उन्होंने अगर सबके लिए हेल्प करनी चाहिए है तो मैं चाहूँगा कि ये मॉडल पेपर, सॉल्वड मॉडल पेपर सबको पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर इन्होंने इस तरह दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर एंड क्राउन ग्लास। तो इसका ये है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33 एंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ क्राउन ग्लास इज़ 1.52। व्हाट इज़ अ डायोप्टर, तो इन्हें इसका आंसर लिखा है या और जो जहाँ पे भी चॉइस है तो चॉइस वाला आंसर भी इन्होंने जो है क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है। यो एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ कंकेव लेंस एंड अ कन्वेक्स लेंस, इसका आंसर इन्होंने दिया है कनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस वायर एज कन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इन्होंने सॉल्व किया है, ए पर्सन इज़ वेयरिंग स्पेक्टैकुलर्स विद अ कनकेव लेंस ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ ही हैविंग, आंसर है मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 5, इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वी मोस्टली यूज कॉपर वायर्स, वाई, आंसर है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ लो एंड एज सच देर इज़ लेस पावर लॉस ड्यू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दस वी मोस्टली यूज़ कॉपर वायर्स इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। तो क्वेश्चन 6 जो है ये भी सॉल्वड है, क्वेश्चन 7 है ये भी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने सॉल्व किया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इन्होंने बनाया है यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल। और इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्वड है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्वड है, 11 भी सॉल्वड है, 12 भी सॉल्वड है, 13 भी सॉल्वड है, 14 भी सॉल्वड है, क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी, क्वेश्चन नंबर 17 इसके सारे पार्ट्स इन्होंने जो है सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्वड है इसके सारे पार्ट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका भी सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट ये भी, और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग 35 ये भी इन्होंने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। तो हम फुल क्रेडिट देते हैं मिस्टर जाहिद सर को जिन्होंने ये मॉडल पेपर सॉल्व किया है, और इस चैनल के थ्रू ये मॉडल पेपर मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो मुझे साइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मॉडल पेपर यूट्यूब चैनल के हर किसी वीडियो में मैंने लिंक प्रोवाइड की है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, वहां पे मैं ये डाल दूंगा, आप पीडीएफ वहां से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो जैसे मिसिंग है, जो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है, लेकिन बाकी क्वेश्चन कहाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अगर कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है तो वो भी हम देख लेंगे, लेकिन इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।